उन्हें खुशी थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इतना सुंदर संसद भवन बनाया गया है। लोग किन शब्दों में उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य को मैं व्यक्त करूं, इतनी सुंदर शिल्पकारी और कलाकारी। जो पुराना था वो बहुत ही मतलब छोटा भी लगा लो, और ये जो हमारा नया संसद भवन है काफी बड़ा बना रखा है। और बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पहली बार कहीं वहाँ जाने का और लोकसभा और राज्यसभा देखने का मुझे मौका मिला। नए संसद भवन का उद्घाटन और उसके साथ ही महिला आरक्षण का तोहफा, मोदी जी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। नए संसद भवन का जैसे ही उद्घाटन हुआ और उसके बाद महिला आरक्षण हुआ और उसके बाद तमाम पूरे हिंदुस्तान से महिलाओं को वहां पे बुलाया गया और दिखाया गया कि किस तरह का हमारा नया संसद भवन है। रजनी वीरमानी हमारे साथ हैं, गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन हैं और पूरे हरियाणा के निकायों की भी अध्यक्ष हैं। ये भी बहुत सारी महिलाओं के साथ वहां पे पहुंची। मैम, पहुंचे आप लोग पूरी महिलाओं के साथ नाचते गाते हुए, किस तरह का लगा नया संसद भवन और क्या कुछ उम्मीदें हैं? आरक्षण भी मिल गया, बनते ही सबसे पहले दर्शन करने के मौके मिल गए संसद भवन के, वरना शायद उम्र बीत जाती है, महिलाएं तो देख ही नहीं पाती कि हमारा संसद भवन कैसा है। पूरी महिलाओं का ग्रुप यहाँ से गया, 50 महिलाएं मेरे साथ गई, बस में नाचती गाती भजन गाती गई। उन्हें खुशी थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इतना सुंदर संसद भवन बनाया गया है, मतलब किन शब्दों में उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य को मैं व्यक्त करूं, इतनी सुंदर शिल्पकारी और कलाकारी। ये लगता था कि वाकई देश में इतने बड़े बड़े शिल्पकार और कलाकार हैं जिन्होंने संसद भवन को इतने सुंदर तरीके से सजाया। जैसे हम उस संसद भवन को देख रहे थे तो सच में ये लग रहा था कि मतलब इतने अद्भुत और इतने अच्छे चित्र, विचित्र थे वो, एक मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती इस चीज़ को। और मोदी जी ने तो बहुत अच्छा फैसला लिया कि संसद भवन के बनते ही दूसरे दिन जो महिला आरक्षण बिल पास किया, इस बिल का बहुत सुंदर नाम रखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कि नारी की शक्ति को बढ़ाने का काम किया, नारी की ताकत को बढ़ाने का, कि नारी की ताकत इतनी बढ़ेगी वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़े। और इसमें कोई दराय भी नहीं है, कि कोई शक भी नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। पुराने भवन में जिस तरह से था तो एक ये रहता था कि अभी तक हम अंग्रेजों के बनाए हुए भवन में अपना जो है वो काम काज चला रहे हैं, नए कानून बना रहे हैं, लेकिन अब नया भवन है, नई उम्मीदें हैं, नए विचार हैं। देखो, पुराना संसद भवन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन नए संसद भवन में जाकर मुझे इतना अच्छा लगा। एक बात और विचित्र लगी कि जब अंग्रेजों से भारत की सत्ता को लिया गया था, तब एक मतलब वो शिलांग सा एक रखा गया था, डंडी की तरह स्थापित किया गया था, वो हमारी आज़ादी का प्रतीक था। और मोदी जी ने इस नए संसद भवन के बनते ही उस शिलांग को यहाँ स्थापित किया, ताकि वहाँ जाकर हम एक अच्छी वाइब्स आए, आज़ादी का अनुभव हो। और ऐसा सुंदर भवन होना भी चाहिए जहाँ देश के इतने बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए। और ऐसी विचित्र अद्भुति, मतलब ये काम सिर्फ देश के प्रधानमंत्री कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आरक्षण को लेके कितना खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप तो खुद महिला हैं, और वही बात है, इंद्रजीत जी भी कोशिश तो करते हैं राजनीति में, लेकिन मौका आप मार जाते हो। अब फिर पहली बार जो है वो 33% आरक्षण की दौड़ में आगे निकल। देखो, मैं तो ये कहूँगी कोशिश सबको करनी चाहिए और अपना कर्म भी करना चाहिए, उस कर्म के साथ सबका भाग्य भी जुड़ा हुआ है। और मोदी जी कल ये बात अपनी स्पीच में कह भी रहे थे कि भगवान ने लकीरें तो सबकी लिखी हैं, लेकिन उस लकीरों में रंग भरना हमारे हाथ में है, वो हमारा कर्म है। ये बहुत ही सुंदर बात है कि कोई भी पवित्र काम और विचित्र काम होता है वो देश के प्रधानमंत्री के हाथों से होता है। बल्कि ये कहूँगी, कोई भी नई चेतना का संचार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की सोच कर सकती है। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि मतलब ये समझते हैं कि ऐसा पटाखा छोड़ते हैं तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि शायद ये पता नहीं रात को सोचते हैं कि दिन में किस तरह से इनके मन में सोच आती है। बहुत बहुत खूब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण। आप भी गए वहाँ पे? हाँ जी, हम संसद भवन में गए थे। संसद भवन में जाके हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ की डेकोरेशन, वहाँ की कलाकारी देख के मतलब एक अलग सी थॉट आती है और एक अलग सी वाइब्रेशन होती है वहाँ पे, कि मतलब हर चीज़ को मतलब अच्छी तरीके से, मतलब कलाकारी से बनाया गया। हमने लोकसभा और संसद भवन भी जाके देखा, जिसमें मतलब दोनों की अलग अलग थीम्स रख के और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजाया गया। वहाँ पे सभी के लिए मतलब हर चीज़ अवेलेबल की गई। और मतलब कुछ ये है कि मतलब जो हमारा पुराना संसद भवन था वो तो हमने चलो नहीं देखा, पर जो नया संसद भवन है वो हमने देखा। और उसमें मतलब जहाँ तक हमने पढ़ा है और मतलब हम देख के आए हैं, उसको देख के मतलब अगर हम उनको मतलब डिफरेंस करें
तो ये है कि मतलब जो हमारा संसद भवन नया और जो पुराना था वो बहुत ही मतलब छोटा भी लगा लो, और ये जो हमारा नया संसद भवन है काफी बड़ा बना रखा है। और मैं तो इस चीज का मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि जो मतलब हमें मतलब जल्दी ही मतलब नेक्स्ट डे ही हमें मौका दिया गया कि हम मतलब जाके वहां पे देख सकें। कभी कल्पना की थी जाओगे संसद भवन देखोगे? कैसा नहीं सर, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लगा वहां जाके? मोदी जी से भी रूबरू हुए होंगे, साक्षात देखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल देखा है सर। पहली बार देखा? किसी हाँ रूबरू देश के तो पहली बार प्रधानमंत्री देखा। को तो पहली बार रूबरू तो पहली बार देखा। हाँ जी बिल्कुल पहली बार देखा था, वैसे टीवी में तो देखते रहते हैं पर रूबरू पहली बार देखा था। तो ये सपना साकार हुआ जैसे रजनी गुरमानी जी अपने पूरी सेना के साथ वहां पहुंच गए। हाँ जी बिल्कुल साकार हुआ। मैम हमारे साथ गए, हम सभी पार्षद जो है मैम के साथ गए वहाँ पर, हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। बहुत ही मतलब के दूर दूर से लोग मतलब के सभी आए हुए थे, उन्होंने मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद किया। उनके अंदर इतना उत्साह भरा हुआ था, सभी नारी शक्ति के अंदर इतना उत्साह भरा हुआ था कि उन्होंने मोदी के नारे लगाए। और आज मतलब के मोदी जी ने जो नारी को इतना सम्मान दिया है कि उसकी हम मतलब के कल्पना कल्पना नहीं कर भी नहीं कर सकते। सकते। आपका क्या नाम है? अंजू राजोरा, वार्ड नंबर 15 से। कैसा लगा आपको? उम्मीद थी मतलब ये प्रोग्राम भी शायद एट ए टाइम बना आपका, एकदम से बना जी करेगा। एकदम से बना है, मैडम ने एक दिन पहले हमें किया है। अंजू जी आपको भी चलना पड़ेगा, और रजनी मैडम जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे पीछे परिवार भी, मेरा जो पीहर है वहाँ से भी राजनीति में जुड़े हुए हैं, लेकिन संसद भवन देखने का किसी को मौका नहीं मिला। क्या बात है, मतलब ये मौका नहीं मिल रहा नहीं था। भी मौका मिला क्योंकि मैं इनका बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पहली बार भाई वहाँ जाने का और लोकसभा और राज्यसभा देखने का मुझे मौका मिला। आपका क्या नाम है? जी ममता आप कसवा भी गए, कैसा जी, लगा? बहुत अच्छा लगा, और इसी से तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ अपनी मैडम का, जिनके कारण हमें संसद भवन देखने का मौका मिला, नहीं तो हमारे जैसी महिलाएं तो घर में ही रह जाते। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए बिल्कुल आम घरों की वो महिलाएं जिन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी, संसद तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली ही घुमाए। बल्कि ये कहूंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया कि एक तिहाई सीट महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, अब की बार संसद भवन में एक नई बात और रखी गई, जहाँ 543 सीटें थी अब की बार 888 सीटें रखी गई, सीटें भी बढ़ा दी गई। बल्कि ये कहूंगी कि इस ऐतिहासिक फैसले से बहुत बड़ा बदलाव आएगा, महिलाएं और शक्ति के साथ काम करेंगी, उनके अंदर एक नई उत्तेजना और एक नया जुनून आएगा और राजनीतिक रूप से भागीदारी लेगी।